Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching Top 10 Daily Current Affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs. So we first know the motivation line, then start our current affairs. So friends, please write these notes. This is the special content for you, especially the students. Don't downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny. देख सकते हैं कितना काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द बताया गया है. मिजोरम सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ग्रीन एनर्जी परियोजना शुरू की. जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार समूह में भारतीय अर्चना सोरेन को शामिल किया गया. हरियाणा सरकार अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को सुधार करने के लिए सीडिंग तकनीक का उपयोग करेगा. निर्मला सीतारमण AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा ली. प्रवीण जुगनुथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने. आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों की संख्या वृद्धि होने की चेतावनी जारी किया. नासा ने UAE और चीन के बाद इस महीने तीसरा मंगल मिशन प्रक्षेपित करेगा. जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता. चीन ने वुहान लैब में पाकिस्तान में कथित तौर पर जैविक हथियार बनाने के लिए 3 वर्ष का गुप्त अनुबंध किया. उच्चतम न्यायालय ने VS4 वाहनों का पंजीकरण रोक लगा दिया है. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस तरह के जो है प्रदूषण बढ़ाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. थैंक यू.